ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। गिनती के चंद दिन रोजे रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग इसकी ताकत रखते हों वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोजे का फिदिया अदा कर दें। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक में बेहतर है, और अगर तुमको समझ हो तो रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती है। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो इसमें जरूर रोजा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो, और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई उस पर अल्लाह की तकबीर कहो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और ऐ पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूं कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं, लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं।